न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, सोलेनोइड हैज 2000 टर्न, यहां पे आपको 2000 टर्न दिए, ओन ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, ये लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 इंटू 10^-3 मीटर स्क्वायर, अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 300 टर्न इज क्लोजली ओन, जो सोलेनोइड है उसके सेंट्रल सेक्शन में और एक कॉइल है जिसके 300 टर्न है, इफ एंड इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड इन 0.25 सेकंड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। तो यहां पे क्योंकि दो कॉइल है, यहां पे हमें जो ईएमएफ फाइंड करना है वो है कुछ इस फॉर्मूले से मिलेगा, ई इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, यहां पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए माइनस साइन की जरूरत नहीं है। तो ईएमएफ विल बी गिवन बाय एम डी आई बाई डी टी। यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे ये सोलेनोइड है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय म्यू नॉट एन वन एन टू बाय ए इंटू एल, क्योंकि देखो जो दूसरी कॉइल है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स अलग है और इसके सेंट्रल सेक्शन में उड़ है, मतलब दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोएक्सियल कॉइल रहेगी और सेम एरिया रहेगा। सो हियर वी पुट द वैल्यूज 4 pi इंटू 10^-7, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है म्यू नॉट की। नंबर ऑफ टर्न्स पहले कॉइल में है 2000, दूसरे कॉइल में है 300 और एरिया जो है दैट इज 1.2 इंटू 10^-3 डिवाइड बाय लेंथ, तो यहां पे लेंथ दी है देखो 0.3। ओके, तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 4 pi 10^-7, कुछ टर्म हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से, 4 pi इंटू मैं लिखूंगा 10^-7 इंटू 2 इंटू 10^3, 3 इंटू 10^2 इंटू 1.2 इंटू 10^-3, राइट, और 3 को हम लोग लिखेंगे फिर से 10^-1, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां पे 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमेरेटर में बचेगा 4 इंटू पाई को हम लोग लिखेंगे 3.14 इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 10^-7, देखो कितना होगा, -7 है यहां पर, उसके बाद +3 है, +2 -3 और डिनोमिनेटर का ये जो टर्म ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा, मैं यहां पे राउंड ऑफ वैल्यू लिखता हूं, दैट इज 3 × 10^-3 हेनरी, हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, राइट। तो इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यहां पे मिल रही है हमें, तो यहां से ईएमएफ मिल जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम डी आई बाय डी टी। ओके, तो एम की वैल्यू मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, दैट इज 3 × 10^-3 इंटू डी आई, डी आई मतलब क्या होता है, चेंजिंग करंट, और हमें क्वेश्चन में दिया था कि 0.25 सेकंड में करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है, तो इनिशियल अगर ये डायरेक्शन ये होती है तो आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर 0.25 सेकंड इट विल रिवर्स इज डायरेक्शन, तो हमें यहां पे कोई भी एक डायरेक्शन जो है पॉजिटिव लेनी है, तो लेट्स से दिस वन इज अ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो फिर चेंजिंग करंट कैसे मिलेगा, चेंजिंग करंट मिलेगा मुझे I2 - I1, ओके, डिवाइड बाय चेंजिंग टाइम कितना था 0.25, सो हियर 3 × 10^-3 इंटू I2 होगा -2 - -2, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन हमने निगेटिवली दैट इज 0.25, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो क्या होगा, यहां पे जैसे मैंने कहा था मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में पुट कर देंगे, सो दैट आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा, सो 3 × 4 डिवाइड बाय 0.25 × 10^-3 कितना होगा -3, और हमें पता है 3 × 4 1 upon 0.25 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दो डेसिमल पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा, दैट इज 4 × 10^-3, राइट, तो 4 × 4 = 16, राइट, और इंटू 3 दैट इज 48 इंटू 10^ कितना होगा -3 वोल्ट, और सिंपली 48 मिली वोल्ट, तो ये रहेगा ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल।